गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट अवर न्यू लेसन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चों, इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये जो लैंड ट्रांसपोर्ट थे उसमें कौन कौन से थे? मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट मूव ऑन लैंड, वो कहाँ पे चलते हैं? लैंड पे ही चलते हैं। While moving from one place to another within the city, we use bus, car, rickshaw, scooter, cycle, auto, bicycle. Some cities have local train and also metro trains. ठीक है, ये तो हो गए हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट। और एयर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट इज़ अ fastest means of transport. We travel by aeroplane to cover long distance. जब हम लोग को लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना होता है तो हम लोग एरोप्लेन का यूज करते हैं। एरोप्लेन लैंड एंड टेक ऑफ द फ्रॉम एयरपोर्ट, लैंड भी और टेक ऑफ भी कहाँ से करता है? एयरपोर्ट से। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या बच्चों? शिप और बोट है मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। शिप्स कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इसके बाद अब करते हैं एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट आंसर। ट्रेन्स रन्स ऑन रेल ट्रैक्स। ट्रेन किस में चलती है? रेल ट्रैक्स पे चलती है। ठीक है, लैंड पे तो चलती है, जमीन पे तो चलती है, मगर रेल का एक ट्रैक होता है। दूसरा है हमारा डैश कैरी हैवी गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस को हैवी सामान उठाने के लिए ट्रक का यूज होता है। किसका होता है? ट्रक का। एरोप्लेन इज अ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट है, हवा में उड़ता है ना। नंबर फोर, कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, शिप ले जाती है। बोट्स में नहीं जाता है, हेलीकॉप्टर में नहीं जाता, बट शिप ले जाती है, कैरी करती है पीपल्स को भी और सामान को भी। ठीक है, तो यहाँ टिक द करेक्ट आंसर हो गए। फर्स्ट वाले में लिखेंगे हम लोग रेल ट्रैक, सेकेंड में लिखेंगे ट्रक्स, थर्ड में लिखेंगे एयर और फोर्थ में लिखेंगे शिप। इसके बाद करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये सब आपने ऑलरेडी कर चुके हो अपनी बुक में, बस आपको उसका रिवीजन करना है, लर्न करना है एग्जाम के लिए। इसमें दिया हार्बर, बोट, लैंड, एयर, हेलीकॉप्टर। मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट मूव ऑन लैंड। जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो किस पे चलते हैं? लैंड पे, जमीन पे ही तो चलेंगे। नंबर टू, एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट है। एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। शिप सेल फ्रॉम अ हार्बर इनटू अ सी। शिप सेल फ्रॉम अ हार्बर इनटू अ सी। नंबर फाइव, अ बोट कैन कैरी ओनली अ फ्यू पीपल इन वॉटर। अ बोट कैरी ओनली अ फ्यू पीपल इन वॉटर। तो यहाँ पे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी कवर हो गए। सबसे पहले वाले में लिखेंगे फर्स्ट में लैंड, सेकेंड में एयर, थर्ड में हेलीकॉप्टर, फोर में हार्बर एंड फाइव में बोट। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में हम करने जा रहे हैं, हाउ डू पीपल ट्रेवल इन द ओल्डन डेज। पहले समय में कैसे चलता था पीपल? इन द ओल्डन डेज पीपल ट्रेवल ऑन फुट और रोड एनिमल। पैदल भी चलता था और जानवरों पे भी साथ में जाता था। नेम एनी टू मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट बताने हैं तो आप बस भी बता दोगे, ट्रेन भी बता दोगे, ऑटो रिक्शा भी बता दोगे, स्कूटर भी, एनी टू बताने। ठीक है, नेम एनी थ्री विच इज द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। विच इज़ अ क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो आप लिखोगे एयर ट्रांसपोर्ट इज अ क्विकेस्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज अ क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे तेज है ना एयर ट्रांसपोर्ट, कुछ ही बहुत दूर जाना हो तो थोड़े समय में ही पहुँचा देता है। महंगा ज़रूर है बट फास्ट है। नेम एनी टू मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में आप में बताओगे, ट्रांसपोर्ट में आप शिप है, बोट है। विच इज़ योर फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड वाई। ये आपको अपने से ही आंसर लिखना है। इसका आंसर मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ। मेरा फेवरेट है एरोप्लेन। ठीक है बच्चों, आप अपनी बुक में देखो, मेरा फेवरेट है एरोप्लेन। एरोप्लेन इज़ माय फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपका कोई भी हो सकता है, आपका तो
आप चाहो तो जो मर्जी लिख सकते हो, एरोप्लेन की जगह हेलीकॉप्टर लिख सकते हो, शिप लिख सकते हो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, बट मेरा क्या है, एरोप्लेन है। एरोप्लेन इज़ माई फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट इज़ फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर फिनिश हो जाते हैं। नाउ गुड बाय।